जय जगन्नाथ। प्रिय दर्शक बंधु, आम सिद्धार्थ भक्ति चैनल तरफ भक्ति सका आपण मानक स्वागत। चंदन चर्चित नील कलेवर पीत बसन बनमाळी। वैशाख मास शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि ठारु स्वतंत्र चंदन लागी नीति आरंभ करती, जहाँ को नहीं ओडिशार अनेक देवदेवी मंदिर रे, प्रत्येक देवदेवी मंदिर रे चंदन लागी नीति बा चंदन पाली बोली कहा जाए। महाप्रभुंकर चंदन लागी नीति आरंभ हुए, जहाँ को कहा जाए चंदन पाली। ये चंदन यात्रार सृष्टि विषय जदि आम आलोचना करवा, तेल चंदन यात्रा प्रकृत में सत्य युगरु ही आमको मिली था। सत्य त्रेता द्वापर कली पर्यंत यार विस्तार चारि युगरे, युगर प्रथम दिवस सत्य युग, एवं सत्य युगर प्रथम आविर्भाव दिवस व स्वनक्षत्र दिवस ता वैशाख मास शुक्लपक्ष तृतीया तिथि। एवं से ही शुक्लपक्ष तृतीया तिथि सत्य युगरे जो इष्ट माने आसंती बा जो ठाकुर से एक अनन्य स्थान अधिकार करती भगवान श्री नृसिंह। तेणु नृसिंह पुराण सप्तसागर में आमको श्री नृसिंह सत्य युगरे चंदन यात्रा अनुष्ठित करैबा एवं निजे अंशग्रहण करवा कथा अच्छी। किंतु श्रेष्ठ कथा अच्छी स्कंद पुराण में गोटे कथा जो लिखा जाइछि, ताहा 44 अध्याय रे दक्ष प्रजापति पालिबा कथा। दक्ष प्रजापति जगन्नाथक अंगरे चंदन लेपिले ही तृतीया तिथि रे। दक्ष प्रजापति कथा अर्थात यह सत्य युगर कथा। जगन्नाथ अंगरे चंदन लेपन करिबा प्रथम दर्शन एठारे आमको मिली था। तेणु त्रेतयारे जो दर्शन आम आगुरु एक कही भरत को मान श्रीराम को लगेदबा कईके चंदन लगेदबा, भरत शत्रुघ्न को कौशल्या माता चंदन लेपन करदेबा, एवं लक्ष्मण को सुमित्रा माता लेपन करदेबा। किंतु एठार होइछि कौन, एठार शैव शाक्त एवं वैष्णवर मिलन यह कहा जाए। श्रीराम भि शैव नहांती, शंकर वैष्णव नहांती, नीलमाधव को आसी चंदन अर्पण करिबा लेपन करिबा, एवं अन्य एक दर्शन रे इंद्रद्युम्न जगन्नाथ को चंदन लेपन करिबा, कारण जगन्नाथ सत्य युगर ठाकुर, जगन्नाथ कली युगर ठाकुर नुहंती, कली युगर प्राधान्यता पाई। त्रेताय युगरे आमे पाइले कौन ना शैव वैष्णव एवं शाक्त तत्वर परंपरा। केमिति ना श्रीराम हेले श्रेष्ठ शैव, एवं लक्ष्मण जे कि श्रेष्ठ वैष्णव शंकर तत्व, अन्य पक्ष रे मा तीन जन श्रेष्ठ शक्तिर प्रतीक। तेणु एटी शाक्त वैष्णव और शैवंकर एकत्र हेबार या एक यात्रा। अन्य पक्ष रे श्रेष्ठ कथा आसी त्रेतयारे कौन ना आमर कैवर्त को आम अलग करना त्रेतया युगरे चंदन यात्रार सृष्टि निजे पाद प्रक्षालन करी, पाद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार निजे जल रे धोई दबा, नबा कौन अच्छी कि पानी काठुआरे आणीबा जल धोईबा, से जो जल रे धोईबा गंगा जल रे धोईबा एवं गंगा जल रे जो भक्ति सहकारे धोईबा ता बहुत गुण रे समस्त महान महान राजांकर दर्शन को ता प्रत्याख्यान करे एवं कैवर्तक प्रसंग आगरे रहे। तेणु कहा जाए वैशाख मासर खरारे जेते बेले डंगारू भगवान अवतरण कले, कैवर्त डंगारू अवतरण कर सारे मुद्रिका आदान प्रदान कर सारे कैवर्त आउ डंगा चले नहांती, डंगा को सी निजे पूजा करिवारे लागी काहिंकि ना से नौकारे महाप्रभु नौका विहार करिथिले भावग्राही पूजा करिछंती, एवं श्रेष्ठ नौका विहारी को नौका विहार करै थिबारु निजे पूजा करिछंती, तांको घर संसार परमात्मा चलैछंती। द्वापर युगर एक श्रेष्ठ कथा से कौन ना संत अच्युतानंद लिखित हरिवंश रे जल क्रीड़ा और नावकली श्रीकृष्ण गोपी मान द्वारा होता आमको सुंदर भाव वर्णना थिबा देखा जाए। अन्य एक कथा अनुसार महाभारत 72 अध्यायर उत्तरापरिणय अवकाश में आमको वर्णना मिलती जे माँ कुंती श्रीकृष्ण और बलराम को डकाई चंदन यात्रा कराई थिले। उपलब्य विभास्तु नगरी रे यही यात्रा
उपस्थापना करा जाइतिला बा एही यात्रा प्रचलित होइतिला एही उत्सव पालन करा जाइतिला। अन्य एक मतरे राजा द्रुपद मध्य भगवान को निज सरोवर रे चंदन जात करैथिले। ये गोटे प्रसंग। अन्य एक पौराणिक कथा को देखिले मत्स्य देशर राजा विराट पंच पांडवंकर अज्ञातवास परे श्रीकृष्ण बलराम को दर्शन करिबा लालसारे निजे इच्छा प्रकाश करि पंच पांडव को मान विभिन्न प्रकार चाटुवाक्य कही भगवान श्रीकृष्ण बलराम को डकाई एक चंदन यात्रार आयोजन करिथिले। तेणु जहाँकि ग्रीष्म काल रे बैशाख मास रे शुक्ल पक्ष रे अक्षय तृतीया ठारु ही आरंभ करिथिले एवं से ही यात्रा को थिला हरिहर समन्वयर यात्रा एवं सी जो नौकर भ्रमण करिथिले ताहाकु कहा जाए बैराटिका। विराट राजा एहाकु पालन करिथिबारु एहाकु बैराटिका यात्रा मध्य कहा जाए ना। यार स्मारकी स्वरूप चौद्वार निकटरे विराटक वंशधर रूप से गजपति माने एही चंदन यात्रा प्रवर्तन करैतिबा कथा आमकु चंदन यात्रा कारिका बा पुरुषोत्तम पुराणरु आम मानकु मिलंती। एक कथा मु मो मनरु कहुनी चंदन यात्रा कारिकारे स्वतंत्र भावरे सुंदर भावरे लेखा अछि मत्स्य देशर राजांक कथा ये मत्स्य राजानु भावेन वासुदेवोत्सव परम गंध यात्रा प्रकुर्वंती पंडुपुत्रा दिनान सह जे पश्यंती जगन्नाथ मुक्ति तेसांग संशयम जे जगन्नाथ को दर्शन करती चंदन यात्रा रे मुक्ति मुक्ति एथिरे संशय न संशय एथिरे संशय मध्य नाही। गंध यात्रा या फलश्रुति द्वादश यात्रा विधानेच ए गंध यात्रा रो फलश्रुति सुणीबा द्वादश यात्रा को गंध यात्रा आख्या दा जायछि। पृथ्वी गंधर प्रतीक आकाश शब्दर प्रतीक अग्नि तेजर प्रतीक वायु स्पर्शर प्रतीक ए समस्त प्रतीक हला बेले पृथ्वी जेतु गंधर प्रतीक ए पृथ्वी रे जो पुष्करिणी कारण पृथ्वी नथिले तेरे जल नाही ना अग्नि अछि ए सब केही नथाते तेणु पृथ्वी रे जल थिबा द्वारा महाप्रभु नौका विहार करुचंती एवं श्रेष्ठ गंध पृथ्वी तो पृथ्वी रु चंदन वृक्षर उत्पत्ति तेणु चंदन एक श्रेष्ठ गंधर प्रतीक एवं शीतलर प्रतीक तेणुकरी एटी कहगला गंध यात्रा या फलश्रुति द्वादश यात्रा विधानेच। तेणु कली युग को जदि आम आसवा प्रथम पंचु पांडव कृष्ण बलराम को नहीं विराट राजा पाखे पहुँचे तार स्मृति स्वरूप पंच शंभु श्री रामकृष्ण को श्रीक्षेत्र को नहीं नरेन्द्र सरोवर जल क्रीड़ा उत्सव पालन करवा आमको जना जाए। तेणु आमको ये गोटे सुंदर कथा आसला द्वादश शताब्दीर शेष भागरे चोड़गंगदेव जगन्नाथ बल्लभ बेंट पुष्करिणी रे एही यात्रा को आरंभ करिथिले। चंदन यात्रा रे श्रीमंदिरु पंच महादेव जाती ए पंच महादेव किए आमे पंच महादेव को पंच पांडव बोली कहू थाए ये पंच पांडव मध्य किए से ना पंच पांडव ये माने आमे कृष्ण बलराम को सहित पंचु पांडव को नहीं मत्स्यदश राजा जे कि विराट ये यात्रा टी पालन कले जार नाम बैराटिका किंतु ये पंच महादेव जाऊँगी पंच पांडव कह था कारण जीव जदि ईश्वर अभिमुखी हुए जीव से बेले शिवरे परिणत हुए जदि जीव ईश्वर अनुगामी न हुए अनु ईश्वर अनुगामी न हुए ताहले शिव हेले जीव तो शिव कौन हम शबरे परिणत हुए तेणुकरी शेष जेतेबेले जीव प्राण त्याग करे सेतेबेले अन्य मानकु ए शिक्षा दिया जाय थाय राम नाम सत्य है सदा बेले रामंकु सत्य होउचंदी राम तांकु स्मरण रख। एठारे पंच महादेव अर्थात जमेश्वर लोकनाथ मार्कंडेय नील कपाळमोचन ओ नीलकंठ एई जो पंच महादेव यात्रा करती महाप्रभु सांगरे ये पंच महादेव जे युधिष्ठिर से होती जमेश्वर बा जमेश्वर युधिष्ठिर अन्य पक्ष रे जे लोकनाथ से होती भीम एवं जे कि आमर मार्कंडेय से होती अर्जुन कपाळमोचन जे नकुल एवं नीलकंठेश्वर जे होती श्री नीलकंठ से सहदेव किंतु एठारे एक सुंदर कथाटी कौन जमेश्वर हरिहरात्मक विग्रह एवं अन्य चारिज चंद्रशेखर मूर्ति रूप से पूजा पाती चंद्रशेखर विग्रह
यार प्रसंग एवं दर्शन बहुत अलग बहुत भिन्न तत्व यार किंतु जमेश्वर ए काहीक हरिहर आत्मक विग्रह आम कहले ना आपण मैंने केतबेले जमेश्वर पाखक जीवे श्रीक्षेत्र जमेश्वर को दर्शन करेंगे सेठारे लिंगराज को जमी तुलसी और बेलपत्र एकत्र अर्पण कराए बा प्रार्थना कराए प्रदान कराए ठीक जमेश्वर को तुलसी और बेलपत्र एक सांगे अर्पण कराए तुलसी भी दिया जाए एवं बेलपत्र समर्पण कराए तेणुक सी होती हरिहरात्मक विग्रह जथा रामेश्वर सैया तेणु एठार जमेश्वर को ये अर्पण कराए चंद्रशेखर प्रतिमूर्ति होती अन्य चारिजण जे कि आमर लोकनाथ एवं मार्कंडेश्वर एवं कपालमोचन और नीलकंठ जहाँ को भीम अर्जुन नकुल सहदेव बोली कहुए तेणु एम जात्रा करी चंदन पुष्करिणीकी चंदन पुष्करिणीकी जो यात्रा करी यात्रे श्रीमंदिर शोभा एक अनन्य एक श्रेष्ठ कथा जेतेबेले श्रीमंदिर आसती सृष्टि आपण मैंने देखिले सत्य युगर किंतु वर्तमान श्रीमंदिर जो नीति यह आद्य युगर सत्य युगर नीति को आहुरी प्रभावित करे एवं ताठारु श्रेष्ठ आम को दर्शन मिलती जेतेबेले अन्य विमान सब आसी जाई थांती जे पर्यंत मदन मोहन मणि विमान श्रीमंदिर बाहरी न थाए से पर्यंत अन्य विमान माने मणि विमान को अपेक्षा करी थांती अर्थात मदन मोहन भूदेवी श्रीदेवी आगरे तांको विमान जाई सरिला परे एमाने पछरे जाई थांती जदी बा तांको विमान आसी थाए बाईसी पाच रे अपेक्षा करी थांती जदी बाईसी पाच रु सिंहद्वार पर्यंत चली आसी थांती ताहले एमाने बाहरे मध्य अपेक्षा करी थांती छामुंडिया रे जेते बेले महाप्रभु जांती मदन मोहन मणि विमान आगरे झुली झुली जाए अन्य माने जांती जदी चंदन यात्रा रे जमेश्वर न आसी पारती बा लोकनाथ न आसी पारती ताले चाप खेल हो पारे ना यह एक स्वतंत्र नीति पंचमहादेव भितर किंतु जमेश्वर बा लोक एवं लोकनाथ आसवा कारण लोकनाथ होती श्रीमंदिर पार्थिव भंडार रक्षक अन्य गोटे दर्शन में जीए जगन्नाथ सीए लोकनाथ अनेक गुड़े पुराण मतरे ममात्मे महादेव ब्रह्मा मदगात्र संभव मोहर जगन्नाथ कहते मोहर आत्मा पशुपति माने मोर आत्मा ही शंकर जपऊ जाके शंकर सतनामा मु शंकर को भल पाए आ शंकर कौन कहते ना मम इष्ट बालक रामा तेणु एटी जो हरिहर मिलनर जो आमर दर्शन एवं शाक्त जो भूदेवी श्रीदेवी जीवा यह हूँ शाक्त परंपरा शाक्त शैव और वैष्णव एकत्र मिलनर एक समावेश होती चंदन यात्रा तेणु यही सृष्टि यह आमको यही दर्शन दिंती जे परस्पर भाईचारे समस्ते शांति स्थापना रख एवं समस्त को भाई भौणी मातृवत ज्ञान कर तेणु कहार अनिष्ट केबे चिंता कर ना जीए जोठी जहा करुच पछे समस्त सहित स्नेह सहानुभूति भाव जड़ित रुह ताहले जीव शिवर ही परिणत हे नचेत शब प्राय तुम्हें घरे पड़ दर्शक बंधु कथा तो अनेक जिते समय हो जा এইটি আমাকে বিদায় নেওয়া পড়ব বিদায় নেওয়া পূর্ব আসন্তু দেখিবা সুনাম ধন্যা কণ্ঠশিল্পী নমিতা অগ্রওয়াল ভাবপূর্ণ কণ্ঠে আজির বিশেষ ভজন
धीरे धीरे करुथिबि पूजा मथुरा नगरे जेमिति